फ्रेंड्स, आज इंग्लिश में हम आप लोगों को कुछ राइटिंग वर्क कराएंगे और इस प्रकार का वर्क जो है जैक बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे बिहार बोर्ड के लिए राइट एन एसे या पैराग्राफ हो गया, इस तरह से पूछा जाता है। खैर, बात जो भी हो, मेरा प्रयास रहता है कि अनुकूल समय में किसी काम को किया जाए। जैसे देखिए, हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है अपने देश में, और इस मौके पर अगर हम लोग इंडिपेंडेंस डे की चर्चा करें तो एक रुचि भी जगती है, और इसी बहाने हम लोगों का राइटिंग स्किल भी डेवलप होता है। तो आज जो है हम इंडिपेंडेंस डे, इसको हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, तो 15 अगस्त को प्रति वर्ष मनाया जाता है, इस पर जो है एक पैराग्राफ लिखेंगे, और किस प्रकार से लिखेंगे इसको देखना है। मेरा प्रयास है कि हम बिल्कुल सिंपल वे में बातों को रखें, ताकि आप लोग जो है इसको सीख सकें। आप लोगों को ध्यान से मेरी बात को सुनना है और सीखने का प्रयास करना है। आप में यह एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक पर कुछ बात बोल दिए, कुछ पंक्तियाँ लिख लिए, इस प्रकार का कैपेसिटी होना चाहिए। और जो कॉमन टॉपिक्स है, जो कॉमन बातें हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो चलिए, इंडिपेंडेंस डे पर हम एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, ब्रैकेट में लिख गए 15 अगस्त। अभी हम लिखे ही थे, फिर भी एक बार लिख दिए। अब किस प्रकार से लिखेंगे सो देखा जाए। इंडिया है 3 नेशनल फेस्टिवल्स, दे आर इंडिपेंडेंस डे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। रिपब्लिक डे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। एंड थर्ड नंबर, गांधी जयंती, विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि नेशनल फेस्टिवल किसको कहते हैं, पहले इस बात को जान लीजिए। ढेर सारा रिलीजियस फेस्टिवल्स भी हम लोग मनाते हैं, हर धर्म जाति समुदाय के लोग भिन्न भिन्न पर्व त्योहार मनाते हैं। उसको
धार्मिक त्यौहार कहा जाता है, रिलीजियस फेस्टिवल्स कहा जाता है। जैसे हिंदू लोग दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, ये सब त्यौहार मनाते हैं। ये सब क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल्स है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार जो है मुस्लिम लोग ईद, मुहर्रम, बकरीद, ये सब जो मनाते हैं, ये सारा क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल्स है। अब देखिए क्रिश्चियंस लोग जो है क्रिसमस मनाते हैं, ये क्या है? रिलीजियस फेस्टिवल है। लेकिन कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिसे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं पूरे देश भर में। ऐसे फेस्टिवल्स को नेशनल फेस्टिवल्स कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, जिस फेस्टिवल को पूरे देश भर में सभी जाति धर्म के लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं, वैसे फेस्टिवल्स को कहा जाता है नेशनल फेस्टिवल्स, हिंदी बोलते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। तो हमारे देश में 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। इंडिया हैज 3 नेशनल फेस्टिवल्स। भारत में कितने नेशनल फेस्टिवल हैं? 3। दे आर कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, जिसे कि 15 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दूसरा नेशनल फेस्टिवल है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कहते हैं, इसे 26 जनवरी को मनाया जाता है। और तीसरा है गांधी जयंती, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानकारी भी हम लोगों को है कि 15 अगस्त 1947 को अपने देश को आज़ादी मिली थी, इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अपने देश में। 26 जनवरी 1950 को अपने देश का जो अपना संविधान है ये लागू हुआ था, और उसी दिन अपना देश जो है एक गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 2 अक्टूबर 1869 को अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो चूंकि महात्मा गांधी को जाति धर्म से ऊपर माना गया, तभी तो उनको राष्ट्रपिता माना गया, इसलिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और गांधी जयंती, जिसे गांधी जयंती कहते हैं, जयंती में होता है बर्थडे, महात्मा गांधी का जन्मदिन, इसे भी पूरे देश में सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं। इस प्रकार ये 3 नेशनल फेस्टिवल्स हुआ। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। आवर कंट्री वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। हम लोगों का देश अंग्रेजी शासन के अधीन था। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद आवर कंट्री बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। So, 15th August is celebrated as Independence Day in our country every year.
दिस इज ए गाला डे, यह खुशी का दिन है। दिस इज ए गाला डे फॉर अस, यह हम लोगों के लिए यह खुशी का दिन है। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे विथ ग्रेट पॉम्प एंड जॉय। पॉम्प एंड जॉय एक फ्रेज है, इसका अर्थ है हर्षोल्लास। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं विथ ग्रेट पॉम्प एंड जॉय, काफी हर्षोल्लास के साथ। इट इज सेलिब्रेटेड एट स्कूल्स कॉलेजेस ऑफिसेस पब्लिक प्लेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? एट स्कूल, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस एंड पब्लिक प्लेसेज, और सार्वजनिक स्थानों पर, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश भर में। On this day means on 15th August. On this day, morning procession, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभात फेरी। प्रभात फेरी On this day, morning procession is taken out. प्रभात फेरी निकाली जाती है। Patriotic slogans, देशभक्ति नारे are shouted out. Glimpses of freedom struggle are taken out. स्वतंत्रता संग्राम की झांकियां निकाली जाती है। ग्रैंड परेड्स आर अरेंज, शानदार परेड का आयोजन होता है। द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान,
नेशनल एंथम इज सन द नेशनल सॉन्ग इज सन पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आर संग वन मिनट ग्रैंड पेरेंट्स आर अरेंज। यहाँ पर जरा सा हम ऐड करना चाहते हैं और ये फ्लैग होस्टिंग की चर्चा होनी चाहिए। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड, राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। द नेशनल एंथम इज संग, राष्ट्रीय गान गाया जाता है। द नेशनल सॉन्ग एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स आर संग, राष्ट्रगीत। देखिए नेशनल एंथम क्या, जन गण मन अधिनायक जय है वो नेशनल एंथम है, वंदे मातरम जो है वो नेशनल सॉन्ग है। द नेशनल सॉन्ग एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स देशभक्तिपूर्ण गाने गाए जाते हैं। ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स पैट्रियट्स एंड मार्टिस ऑफ आवर कंट्री आर रिमाइंडेड। ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स महान स्वतंत्रता सेनानी, पैट्रियट्स देशभक्त एंड मार्टिस शहीदों को, अपने देश के शहीदों को याद किया जाता है। वी टेक ए भो, हम लोग प्रण लेते हैं। वी टेक ए भो टू सेफ गार्ड आवर मदरलैंड, हम लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा का प्रण लेते हैं। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जाती है। कल्चरल प्रोग्राम्स आर संगत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एवरीबॉडी सीम्स टू बी ओवरजॉयड, हर आदमी बेहद खुश नजर आते हैं। एवरीबॉडी सीम्स टू बी ओवरजॉयड, हर आदमी खुश नजर आते हैं। ओवरजॉयड मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, गदगद बेहद खुश नजर आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हॉस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली।
दिल्ली के लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स हॉस्ट द नेशनल फ्लैग इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल्स, अपने अपने राज्य की राजधानी में चीफ मिनिस्टर झंडा फहराते हैं। इन दिस वे इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड नाइसली। इस प्रकार इंडिपेंडेंस डे तथा स्वतंत्रता दिवस जो है सुंदर ढंग से मनाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी टॉपिक पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। आप लोगों को इसी बात को जानना है, सीखना है और इसी प्रकार का एबिलिटी कैपेसिटी डेवलप करना है कि आप किसी भी टॉपिक पर कुछ बोल लें, कुछ लिख लें और ये गुण जो है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और यह होना एक अच्छे छात्र के लिए, गुड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया था।